अजय देवगन की फिल्म शैतान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो बेहद ही डरावनी और इंटरटेनिंग है। स्टोरी है एक बच्ची के शैतान द्वारा किए गए वशीकरण और एक बाप बेटी के बेवसी को दिखाता है। ये ट्रेलर तुम्हारी रूह कपा देगा। फिल्म में एक्टर आर माधवन ने एक खौफनाक तांत्रिक का रोल निभाया है, जो एक लड़की को अपने वश में कर लेता है, जो अजय देवगन की बेटी है। लेकिन अजय और उनकी पत्नी ज्योतिका ऐसा नहीं होना देना चाहते हैं। परिवार और तांत्रिक के बीच की लड़ाई देखने में काफी इंटरटेनिंग होने वाली है। तो चलो अब ट्रेलर की बात करते हैं। इस 2 मिनट 26 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत एक फोन कॉल से होती है, जहां कॉल पर एक औरत कहती है, वो जबरदस्ती हमारे घर में घुस आया है, पता नहीं मेरी बेटी पर क्या कर दिया है, मेरी बेटी को बचा लो वरना वो उसे मार डालेगा। और इस डायलॉग के बीच हम आर माधवन को देखते हैं, जो एक साइको वाली वाइब देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी डरावनी लग रही है, जो तुम्हें ट्रेलर से कनेक्ट करके रखेगी। आगे ट्रेलर में देखते हैं कि माधवन एक तांत्रिक है, जो अजय की बेटी को वश में कर रखा है। फिल्म में अजय की बेटी का कैरेक्टर निभा रही है जानकी बूंदी वाला। शैतान यानी माधवन के वश में आने के बाद जानकी अपने पिता अजय देवगन को थप्पड़ मारती है, तो कभी चाकू से हमला करती है, कभी वो शैतान के सारे पर नाचने लगती है, तो कभी अजीबोगरीब हरकतें करती हुई नजर आती है। ये सब देखने के बाद तुम्हें अंदर से फील होगा कि जानकी की एक्टिंग में दम है, बट ट्रेलर रिलीज के बाद उस लेवल की हाइप नजर नहीं आ रही। मतलब इसे अप्रिसिएट नहीं करोगे तो फिर वही 600 करोड़ वाली ट्रैश आदि पुरुष देखने को मिलेगा। शैतान पिछले साल फरवरी में रिलीज हुई गुजराती फिल्म वश का रीमेक है, बट रीमेक वाले फील नहीं आएगी, क्योंकि स्टोरी टेलिंग और एक्टिंग में काफी दम है, जो तुम्हें स्टोरी से कनेक्ट करके रखने वाली है। इसका बीजीएम इसके हॉररनेस को ऊंचे लेवल पर ले जाती है। तो वश की स्टोरी अच्छाई और बुराई के बीच हुई लड़ाई पर बेस्ड है। अजय पिछले साल जून में इस फिल्म से जुड़े थे। शुरुआत में उन्होंने इसे प्रोड्यूस करने का फैसला किया था, पर बाद में वे इससे बतौर एक्टर ही जुड़ गए। इस फिल्म से साउथ की एक्ट्रेस ज्योतिका बॉलीवुड में काफी समय बाद कमबैक करेगी। ज्योतिका ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1997 में बॉलीवुड फिल्म डोली सजा के रखना से की थी। इसके बाद वो साउथ चली गई और कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं की। हिंदी ऑडियंस उन्हें नागार्जुन की फिल्म मास, मेरी जंग, वन मैन आर्मी और मैडम गीता रानी जैसी फिल्मों के लिए जानती हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अजय अपनी बेटी को शैतान के चंगुल से बचा पाते हैं या नहीं। फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल हैं। फिल्म 8 मार्च को सिनेमाघरों में आ रही है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेकर। अपना बताओ कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।